मैं नीरू जिंदल श्री हरी क्रोचेट निटिंग चैनल की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ। देखिए आज मैं अपने 4 नंबर के बाल गोपाल जी के लिए ये चोली बनाकर लेकर आई हूँ। देखिए इसको मैंने इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप सिखाया है कि आपने इसको कैसे बनाना है। इस तरह से मैंने इसके अंदर बीडिंग नहीं की है, आप इसको बीडिंग भी कर सकते हैं, इस तरह से भी छोड़ सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए इसको बनाने से पहले अगर किसी ने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मेरी नई वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिए। अगर कोई मेरे से भी कोई कमी छूटती है या आपको ऐसे लगता है कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताया कीजिए। चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हमारी बेबी वूल जो है वो है मेरी और मेरी 4 नंबर की हुक है। ये 2.25 mm होता है इसका, जो 1.75 mm। देखिए मैं इससे बनाऊंगी। इस 4 नंबर के ठाकुर जी के लिए मुझे सबसे पहले 22 चैन डालनी है इसके अंदर। चैन डालने के बाद 2 चैन हमने और बना लेनी है। फिर फोर्थ चैन के अंदर देखिए, फोर्थ चैन 1, 2, 3 और फोर्थ चैन के अंदर हमने डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से हमारे 22 डबल क्रोशिया बन जाएंगे इस चैन के ऊपर। सबसे पहले हमने 22 चैन बनाई, 2 चैन और बनाने के बाद हमने उसको फोल्ड करके फोर्थ चैन के अंदर डबल क्रोशिया बनाया और इससे हमारे इस चैन पर कुल टोटल 22 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। हमने फर्स्ट रो के अंदर इस चैन के ऊपर 22 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये हमारी चोली की फर्स्ट रो है। इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब हमने 3 चैन डालकर इसको टर्न कर लेना है। देखिए जो हमारा ये फर्स्ट, तो हमारा ये डबल क्रोशिया बन जाता है, हमने इसके अंदर नहीं डालना होता। नेक्स्ट के अंदर हमने एक प्लेस पर 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं हर एक चैन के ऊपर। 1 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसी जगह पे दोबारा से हमने फिर 2 डबल क्रोशिया यहाँ पे एक बार, फिर सेम प्लेस पे 2 बार। इस तरह से हमने हर एक चैन के ऊपर 2 डबल क्रोशिए डालकर इस सेकंड लाइन को हमने कंप्लीट कर लेना है। देखिए ये हमारे पास 22 हमारे इस फर्स्ट लाइन में 22 डबल क्रोशिया थे फर्स्ट, और इधर लास्ट को हमने सिंगल सिंगल बनाया, बीच हमारे पास 20 बच गए। 20 के हमारे पास 40 हो जाएंगे और एक ये और एक ये, 42 हमारे पास सेकंड लाइन में डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 42 हमारे सेकंड लाइन के डबल क्रोशिया हो जाएंगे। इस लाइन को भी हमने इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है, बनाकर हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं और लास्ट पे हमने एक ही बनाना है। इस तरह से हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। देखिए हमारी सेकंड रो
कंप्लीट हो गई है। इसके अंदर हमारे 42 डबल क्रोशिया बन गए हैं। अब हमने तीन की चैन डालकर इसको टर्न कर लेना है। देखिए जो हमारा ये फर्स्ट वाली, इसके अंदर नहीं बनाना, इसका ये हमारा डबल क्रोशिया तीन की चैन होती है उससे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चैन के अंदर फिर हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाना है, फिर उससे नेक्स्ट के अंदर हमने दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे इसके अंदर। देखिए अब हमने क्या करना है, इस थर्ड लाइन के अंदर पहले जो दो हमारे पहले दो डबल क्रोशिया उनको तो हमने सिंगल बनाना है, थर्ड के अंदर दो बनाए फिर एक बनाऊंगी मैं। अब एक नेक्स्ट चैन के अंदर मैं दो बार बनाऊंगी। अब हमने इस तरह से दोहराते चले जाना है, एक चैन के अंदर एक डबल क्रोशिया, एक चैन के अंदर दो डबल क्रोशिया। इस तरह से हमने इस थर्ड लाइन के अंदर भी हमने डबल क्रोशिया बढ़ाने हैं। इस तरह से हमने ये राउंड भी कंप्लीट करना है। देखिए फर्स्ट पहले जो दो डबल क्रोशिया उनको हम सिंगल सिंगल बनाएंगे, थर्ड को मैंने एक का दो कर दिया, फिर एक, फिर दो, फिर एक, इस तरह से हमने बनाना है। एक चैन के अंदर एक बार, एक चैन के अंदर दो बार डबल क्रोशिया बनाना है एंड तक। एंड पे भी हमने क्या करना है, यहाँ पे अगर दो डबल क्रोशिया हमने सिंगल सिंगल बनाने हैं, अगर मान लो ये हमारा यहाँ पर आकर फोर्थ पे दो डबल क्रोशिया आते हैं तो हम तीन सिंगल क्रोशिया बना देंगे एक के ऊपर एक। इस तरह से हमने इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेना है। एक चैन के ऊपर एक डबल क्रोशिया, एक के ऊपर दो डबल क्रोशिया डालते हुए इस पूरी लाइन को हमने थर्ड को कंप्लीट करना है इसी तरह से। देखिए जो हमारे गोपाल जी होते हैं वो बहुत ही नाजुक होते हैं, उनको हम जो उनके कपड़े होते हैं उनको खींच के नहीं पहना सकते, उनको तकलीफ होती है। जैसे छोटे बच्चों को हम टाइट कपड़े खींच खींच के नहीं पहना सकते, थोड़े से लूज तो उनको आ जाते हैं। आजकल इतनी सर्दी भी पड़ रही है, इसके नीचे हम उनके लिए इनर भी डाल सकते हैं। देखिए इस तरह से, देखिए अगर आप 2 mm के क्रोशिये से भी इसी प्रोसीजर से बनाएंगे, इसी मेजरमेंट से बनाएंगे तब भी आपका इतना ही आएगा, खुला नहीं होगा। अगर आप 3 mm के हुक से बनाएंगे तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा उससे। मैंने इसके अंदर 22 लिए हैं, आप उसके अंदर 19 चैन ले लेना अगर 3 mm से आपने बनाना है तो। बाकी सारा प्रोसीजर सेम चलेगा, बस ऊपर से 3 चैन हम जब कम डालेंगे तो हमारा उससे फर्क पड़ जाएगा, इतना सा ही फर्क पड़ता है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 2 mm से बनाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी आपने इतनी ही चैन डालकर इसी तरह से बनाना है। सिर्फ 3 के लिए आपने 22 की जगह पे 19 चैन डाल लेनी है 4 नंबर के लिए। देखिए इस थर्ड रो को हमने इसी तरह से कंप्लीट करना है, एक के अंदर एक, एक के अंदर दो, इस लाइन को हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये हमारी लाइन कंप्लीट हो गई है। अब हमने 3 चैन बनाकर इसको टर्न कर लेना है। देखिए अब हमारी 4th रो है, अब हमने क्या करना है, इसको सेम लगाना है हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। हमने इसके ऊपर अब कोई भी डबल क्रोशिया बढ़ाना नहीं है, एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इस 4th लाइन को हमने कंप्लीट करना है। इस तरह से इस लाइन में हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ एक लाइन बनानी है एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। इस तरह से हमने इस लाइन को कंप्लीट कर लेना है। फिर हम 5th रो में इसको डिवाइड करेंगे, इस तरह से पहले काउंट करेंगे फिर देखेंगे इसको किस तरह से हमने डिवाइड करना है। देखिए अब हमने हमारे 4 लाइन हो गई हैं, 5th लाइन में हमने इसको डिवाइड करना है।
देखिए ये हमारे, हमने इसको काउंट कर लेना है सबसे पहले कितने हैं हमारे डबल क्रोशिया, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 31 डबल क्रोशिया हैं हमारे पास। अब हमने इनको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हमने फर्स्ट फ्रंट पार्ट को निकालेंगे। देखिए ये हमारी तीन की एक चैन है, यहाँ पे नहीं डालना हमने, इस नेक्स्ट के अंदर हमने, हमारे पास ये दो डबल क्रोशिया हो गए हैं, तीन, चार, पांच, छः, सात और आठ। देखिए ये हमारे फ्रंट के फर्स्ट में हमारे आठ डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, बाजू के लिए छोड़ेंगे, हमने 14 डबल क्रोशिया बाजू के लिए हम यहां से निकाल देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, 14 छोड़ के 15 के अंदर हमने डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। देखिए ये हमारे 14 डबल क्रोशिया हो गए हैं। हमें इतने से बाजू हमारे चार नंबर के गोपाल जी के लिए चाहिए। देखिए अब हमारे पास 3, 6, 8 है हमारे पास। अब हमने 17 डबल क्रोशिये पीछे छोड़ देंगे हम। देखिए अगर हमारे पास अगर 16 होते तो 16 भी छोड़ देते, एक हमारा डबल क्रोशिया बढ़ रहा है, हम उसको कहीं पे कट घटाएंगे नहीं, पीछे हम निकाल देंगे उसको, पीछे हमने 17 कर देने हैं। अगर हमारे पास कई बार एक कम भी रह जाता तो भी हमने पीछे ही निकालना है उसको, जो हमारे ये फ्रंट के पार्ट होते हैं, ऐसे नहीं कि इसके के अंदर हमने 7 कर दी और एक के अंदर 8 कर दी, नहीं, पीछे हमने अगर एक ज़्यादा है तो भी हमने इसको पीछे करना है, अगर एक कम है तो भी उसको हमने पीछे ही रखना है। अब हम, हमारे पास 61 थे, सतारह डबल क्रोशिया हम बैक साइड के मैं बना लूंगी अपने, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 17। देखिए इस तरह से अब हमने 14 फिर छोड़ देने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। इससे आगे हमने काउंट कर लेना कि हमारे पास पूरे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इसको काउंट करके ही हमने बनाना है, देख लेना है पूरा, ताकि हमारे जो फ्रंट के दोनों पार्ट हैं उनके अंदर बराबर डबल क्रोशिया होने चाहिए, ऐसे नहीं कि एक के अंदर 7 और एक के अंदर 8 हों। इस तरह से हमारे ये सारे फंदे डिवाइड हो गए हैं। ये देखिए इस तरह से ये हमारे डिवाइड हो गए हैं। अब हमने इसके नीचे दो राउंड और लगाने हैं, सेम का मतलब हमने इसके अंदर कोई भी डबल क्रोशिया बढ़ाना नहीं है, हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने दो राउंड और लगाने हैं। एक मैं लगा रही हूं और एक और लगाना है हमने। कुल टोटल चोली के अंदर हमारे पास 7 राउंड हो जाएंगे। इस तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करें। ये देखिए हमारी
मैंने जहाँ से इस राउंड से मैंने डिवाइड किया था, दो राउंड इससे नीचे और लगा दिए हैं। इस तरह से हमारे कुल टोटल 7 राउंड हो गए हैं। ये हमारे 4 नंबर के कान्हा जी की चोली बनकर तैयार हो गई है। देखिए आप इसके ऊपर यहाँ पे बीडिंग कर सकते हैं, जैसे चाइन नहीं करनी तो आप इसको वैसे भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इसको यहाँ से बंद कर दें इस तरह से। देखिए मैं बंद करना भी आपको बताऊंगी। देखिए जो हमारी यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे 3 चैन डाली है, उसके ऊपर इसको उठाकर हमने इसको यहाँ पे स्लिम स्टिच कर लेना है, और फिर एक नेक्स्ट में भी जाकर हमने एक स्लिम स्टिच करना है, और यहाँ से एक चैन डालकर इसको हम कट कर देंगे ताकि ये लूज ना हो। अगर हम इसको यहीं पे स्लिम स्टिच कर देंगे और नेक्स्ट पे नहीं लेके जाएंगे तो ये लूज हो जाता है। देखिए इस तरह से इनको हम अंदर कर देंगे धागों को। देखिए ये हमारे गोपाल जी की चोली बनकर तैयार हो गई है। मैं इसको आपको नाप कर भी बताऊंगी। देखिए जो हमारे 4 नंबर के ठाकुर जी हैं उसके लिए हमने जो चोली की लंबाई करनी होती है वो 2.5 इंच, 4 नंबर की 2 इंच वैसी होती है और 0.5 इंच हमने ज़्यादा लेनी होती है। देखिए इस तरह से हमने इसी तरह से अपने सभी गोपाल जी की चोलियों को नापना होता है, और इसकी चौड़ाई भी बराबर 2.5 इंच की होनी चाहिए इस तरह से। देखिए ये हमारे 4 नंबर के गोपाल जी की चोली बनकर तैयार हो गई है इस तरह से। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए आप अपने गोपाल जी के लिए इस तरह से, चाहे आप इसको इस तरह से पहनाएं चाहे उस तरह से, आपको ये आपके गोपाल जी को ये चोली बिल्कुल फिट आएगी। देखिए छोटी चोली में जो होते हैं कम डबल क्रोशिया डालने से और लंबाई कम करने से उनको थोड़ी सी टाइट हो, जो 3 नंबर के ठाकुर जी हैं उनके लिए भी बस सिर्फ 1 राउंड आप इसका कम कर सकते हैं, बाकी आप उतना ही ले सकते हैं। बाकी मैं एक एक करके आपको सभी चोलियों की वीडियो डालूंगी। देखिए इस तरह से हमारी चोली बनकर तैयार हो गई है।